बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 ही दिन हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगी? मैंने अपने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, रवि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या तुम्हारा मायका नहीं है? और मैं तो हूँ, रवि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक मैं थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वह सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था, पर जब से माँ गई मेरा मायका जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहें कि वह मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति में उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया, तूने मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए रवि से बोलकर अगले ही हफ्ते की टिकट करवा ली और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेगी। सोचकर आंखें भर आईं, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों के बाद पापा को गले लगाकर खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था, माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। रवि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरी जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरे घर की वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी पापा का कॉल आया। बोले गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहां पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है पापा? पापा की आँखें भर आईं, अपने आंसू पहुंचते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े थे, हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी नाना जी ने यह आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली, उसमें लिखा, मेरी प्यारी गुड़िया रानी सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बनाकर साथ भेजती।
माँ के हाथ का तो नहीं पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सहसा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। यह सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए एक महीना बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें करती हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी माँ नहीं है और आपके पापा हैं तो आप लोग मायके ज़रूर जाएं। पापा को भी अच्छा लगेगा और आपके भाई भाभी को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में माँ के लिए ज़रूर कुछ लिखें। और चैनल पर अगर आप नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनने के लिए आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है।